सो हे गाइज, दिस इज अवर फेवरेट मॉन्टेरा हियर। तो गाइज, अभी मैं दिल्ली स्टेशन में, मैं कोलकाता से ट्रेन में बैठी थी दिल्ली के लिए, तो मैं कोलकाता से रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मेरा पहला ट्रेन कैंसिल हो गया था और सेकेंड ट्रेन में बहुत ही स्ट्रगल करके आना पड़ा, तो रिकॉर्ड करने लायक सिचुएशन नहीं था। तो या ये देखो गाइज, मैं अभी दिल्ली स्टेशन में और ये है मेरा ग्रुप, हम सभी मिलकर अभी जा रहे हैं मनाली। So hey guys, start करने से पहले I want to share a product review with you. So guys, this is Bob Skin Science Apple Cider Vinegar Face Wash. ये एक deep cleansing and clarifying face wash है with organic certified Himalayan apple cider vinegar. इससे guys face का excess sebum, dead skin सब remove हो जाता है और pH level को भी अच्छे से maintain रखता है। इसमें guys और भी helpful ingredients है जैसे pro vitamin B5, aloe extract और hyaluronic acid. ये गाइस काफी इफेक्टिव फेस वॉश है जिससे बहुत इजीली डर्ट, पॉल्यूशन, मेकअप रिमूव हो जाता है और आपके स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाता है। एंड गाइस, सबसे बेस्ट पार्ट, इस फेस वॉश में कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है लाइक पैराबेन, सल्फेट, सिलिकॉन। सो गाइस, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से डिस्क्रिप्शन पे जाओ, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, बी वाउ नेचुरली। सो गाइस, फिर हम लोग बैठ गए दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाले बस में, तो बस में तो 5 घंटा टाइम लगेगा, बहुत लॉन्ग जर्नी है। तो हम लोग यही कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, रील्स बना रहे थे, बुमरैंग कर रहे थे और राजीव जी ने बहुत अच्छा एक लाइट कैरी किया था जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था हम लोगों के व्लॉग के लिए, वीडियो बुमरैंग के लिए। सो या सो गाइस, नाउ हम लोगों का बस थोड़ा रुका है तो यहाँ पर हम थोड़ा, अगर किसी को भूख भूख लगता है तो कुछ खाएंगे, थोड़ा स्नैक्स टिफिन करेंगे एंड देन हम लोग जाएंगे चंडीगढ़, फिर चंडीगढ़ से हम लोग मनाली जाएंगे। अभी हम हैं चंडीगढ़ में गाइज, रात को, रात नहीं अभी सुबह 5:30 बज रहे हैं, 5:30 राइट नाउ। तो अभी हम लोग हैं चंडीगढ़ में, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं हम लोग सभी, बहुत ज्यादा लास्ट मोमेंट प्लान कैसा होता है पता है, होप बट वी आर वेरी एंजॉयिंग इट, या एंजॉयिंग इट सो मच, बहुत ज्यादा मजा हो रहा है गाइज। एंड तो अभी हम लोग जाएंगे मनाली, अभी यहाँ से कार करेंगे हम लोग, देन हम लोग जाएंगे मनाली। तो जो जो व्यूज, ये मेरा फर्स्ट माउंटेन ट्रिप है गाइस, तो व्यूज जो है सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, तो लास्ट तक देखना गाइस, स्टे ट्यून्ड फॉर इट। एंड देन गाइज, हम लोग ना कार के लिए वेट कर रहे थे एंड साइड में मुझे छोटे छोटे कुछ डॉगोज दिखे एंड आई जस्ट लव टू अडोर देम, एंड मैंने एक बिस्किट का पैकेट खरीदा और उन लोगों को खिला दिया। लाइक ये कुछ दिखाने लायक तो है नहीं, बस आई डू इट सो दैट्स व्हाई आई शो इट। एंड देन गाइज, डॉगो लोगों को गुलू गुलू करते करते हम लोग का कार आ गया, हम लोग कार में बैठ गए एंड ये जर्नी और भी ज़्यादा लॉन्ग था, लाइक 7-8 घंटे का था एंड हम लोग बहुत मजे कर रहे थे, आप लोग देख सकते हो गाइज, बहुत डांस कर रहे थे, बहुत अच्छा अच्छा गाना चला रहा था, राजीव का तो अलग ही मूड था, तो या यू कैन सी। एंड मोंटी को देखो गाइज, फिर स्टार्ट हुआ गाइज व्यूज आना, लाइक अभी कुछ भी नहीं आ रहा, अभी बस तो माउंटेन्स दिख रहे हैं, कुछ छोटे छोटे लग रहे हैं अभी, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, अभी धीरे धीरे स्टार्ट हुआ गाइस व्यूज आना एंड वो देखो दूर से दिख रहा है कितने सारे माउंटेन्स। एंड फिर गाइस, मोंटी, राजीव, कैंडी, ये लोगों ने इतना डांस किया, इतना मजा किया, इतना नाचा इन लोगों ने कि सो ही गए, मतलब हम लोग घूमने आए हैं, पहाड़ देखने आए हैं, मजे करने आए हैं थोड़ा, तो ये लोग सो गए। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं इन लोगों को डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर दिया, मुझे ये बहुत अच्छे से आता है, तो या मैंने उन लोगों को डिसाइड किया मैं सोने नहीं दूंगी क्योंकि हम लोग घूमने आए हैं, तो क्यों सोएंगे वो लोग, है ना, बताओ तो, घूमने आते कोई सोता है थोड़ी है, मतलब सोता है, रात को सोता है, दिन में ऐसे थोड़ी सोता है। गाइस, मुझे तो बिल्कुल नहीं सोना है, मुझे तो व्यूज इंजॉय करना है, इतना सुंदर सुंदर व्यूज छोड़ के कौन कैसे सो सकता है, ये लोग को देखो कैसे आराम से सो रहे हैं, मुझे नहीं सोना, मुझे व्यूज देखना है। तो यार गाइस देखो कितना सुंदर नदी है, यहाँ का पानी एकदम बहुत एकदम अलग ही कलर होता है यहाँ का पानी का, आई डोंट नो व्हाई एंड मुझे बहुत पसंद है ये कलर, लाइक हम लोग यहाँ पर तो नदी का कलर नाली जैसा होता है, यहाँ पर इतना सुंदर क्यों, अगर किसी को पता है तो कमेंट में बताना, मेरा नॉलेज नहीं है उतना। फिर बाहर बहुत ज़्यादा धूप बढ़ रही थी, गर्मी भी बढ़ रही थी और मैं बहुत टायर्ड हो रही थी क्योंकि इतना लॉन्ग जर्नी था, फिर मैं भी गाइज उन लोगों के साथ सो गई एंड मैं सीन नहीं शूट कर पाई और सोते सोते मैं पहुंच गई मनाली, आई एम सॉरी। सो गाइज, तो हम लोग बहुत टायर्ड थे तो हम लोगों ने सोचा था कि नहीं निकलेंगे, है ना, हम लोगों ने सोचा था कि नहीं निकलना है, कि आज रेस्ट ही लेते हैं क्योंकि इतना ट्रेवल करके, बहुत ज्यादा ट्रेवल करके आए तो आज रेस्ट करते हैं, लेकिन मन नहीं मान रहा था, इतना सुंदर एग्जैक्टली गाइस, इतना सुंदर बाहर व्यू है और किसका मन करता है घर में बैठने का, आई मीन होटल में बैठ के, तो हम
एकदम रेडी होके निकल चुके हैं। तो बिल्कुल कैजुअल हूँ, ये लोग एकदम पार्टी वेयर में ड्रेस। नहीं नहीं, मैं भी कैजुअली हूँ एकदम। तो अभी हम लोग घूमने जा रहे हैं, अभी हम लोग मॉल रोड पे जाएंगे, देखेंगे कुछ सभी एकदम रेडी वेडी होके अभी हम निकल रहे हैं। पहले हम हेयर वॉश करने के लिए। सो गाइस, अभी मेरा हेयर थोड़ा सा मतलब टायर्ड है, इतना ट्रेवल किया है तो हेयर ड्राई भी हो गया है, तो सबका ही हेयर। तो एग्जैक्टली, तो हम लोग प्लान करें कि हम लोग पहले यहाँ पर अगर कोई अच्छा सा पार्लर मिल जाए तो वहाँ पर जाकर पहले मार्केट जाएंगे, घूमेंगे, हेयर वॉश करेंगे अच्छे से, क्योंकि होटल का पानी कैसा होगा नहीं होगा, बाल गिरेगा, तो इतना रिस्क नहीं लेना। तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं अभी पार्लर सबसे पहले, देन हम लोग घूमेंगे। सो गाइस देखते रहो। सो गाइस, उस दिन तो हम लोग सैलून नहीं जाना हुआ क्योंकि इतना सुंदर है मॉल रोड। मॉल रोड पे हम लोग इतना घूम रहे थे, इतना सुंदर व्यू है, इतने सारे शॉप्स हैं मॉल रोड पे, तो यहाँ पर ही हम लोग बिजी हो गए। तो उस दिन सैलून नहीं जाना हुआ, उस दिन शैम्पू नहीं हुआ हम लोगों का। हम लोग बहुत घूम रहे थे गाइस, कितने सुंदर सुंदर शॉप्स है यहाँ पर, हम बहुत सारे वीडियोज़ ले रहे थे, फोटो क्लिक कर रहे थे। अगर वीडियो फोटो देखना है तो जल्दी से मेरे इंस्टा आईडी पे चले जाओ, इंस्टा आईडी है मोंटीरो ऑफिशियल, जल्दी से जाके फॉलो कर लो। एंड फिर मुझे वहाँ पर एक चार्ली चैपलिन मिला, वो बहुत क्यूट था, बहुत क्यूट बिहेव कर रहा था मेरे साथ, मैंने भी उसके सर पर थोड़ा हाथ फेर दिया एंड बहुत मज़ा आया। एंड देन अचानक ना राजीव ऐसे भागते भागते जाके कैंडी को ऐसे मार दिया, मुझे पता नहीं क्यों, कैंडी को बहुत जोर से लगा था हाथ पे। एंड देन गाइस, मुझे बहुत सारे डॉगोस दिखे फिर से रास्ते पे, पहाड़ी डॉगोस तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा क्यूट होता है, मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, मैं फिर से उन लोगों को गुलू गुलू करने लगी। एंड देन गाइस द मेन पार्ट, वहाँ पर भी मेरे बहुत सारे फैंस थे जो मेरे साथ पिक्चर क्लिक कर रहे थे, ये मुझे बहुत पसंद आया कि लाइक वहाँ पर भी लोग मुझे जानते हैं, सो स्वीट। सो गाइस, आज है सेकेंड डे और हम लोग जा रहे हैं सोलंग वैले। ये है मेरा आज का आउटफिट गाइस, कैसी लग रही हो कॉमेंट में जरूर बताना। सो गाइस, नाउ वी आर गोइंग, फाइनली मैं लाइफ में पहली बार आज स्नो देखने वाली हूँ, स्नो को टच करने वाली हूँ, कैसा होता है स्नो। सो क्या, तो आज सेकेंड डे है, लेट्स गो। कार खड़ी है ऑलमोस्ट 3 घंटे से, अभी कितना टाइम हो रहा है, 12 बज रहा है ना, 12 नाउ। सो मॉन्टी, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? सोलंग वैली। कैसा है जगह, सुंदर है? बहुत ज्यादा So guys, ये सामने जितने भी पेड़ दिख रहे हैं सब एप्पल के पेड़ हैं गाइस, यहाँ पर बहुत सारे एप्पल खेत हैं। तो हम लोग ऑफसीजन गए थे तो हम लोगों को ना दिखा एप्पल, ना दिखा एप्पल के पेड़ के पत्ते। फिर हम लोग ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले थे सोलंग वैले, एंड गाइस यहाँ पर बहुत सुंदर व्यू है, ट्रस्ट मी, फोन में ये कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, सामने से बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत। सो गाइस, सो अभी हम लोग हैं, जगह का नाम क्या है मॉन्टी? सोलंग वैले में है हम लोग, मैम नाम बार बार भूल जा रही हूँ। तो ये देखो, ये लोग तो यहाँ पर फोटो शूट कर रहे हैं, मतलब शूट के लिए ये लोग कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। देखो ये साड़ी पहन के, पतला सा साड़ी पहन के, मतलब मैं भी तो कुछ और ही ड्रेस पहन के आई थी, लेकिन मेरा हाल देखो, दिखाओ राजू थोड़ा पकड़ो। लाइक मैं, मुझसे नहीं रह जा रहा था, मुझसे रहा ही नहीं जा रहा था, मैंने पहन लिया ड्रेस। बस इतना चल के आने के बाद मुझे लिटरली अभी गर्मी लग रही थी तो मैंने ड्रेस खोल लिया, फिर से मैं अपनी पहले ड्रेस में आ गई। सो अभी बनाऊंगी मैं बहुत वीडियोस, बहुत पिक्चर्स दूंगी। सो बहुत स्ट्रगल करने के बाद हम लोग ऊपर पहुंच गए, ऊपर पहुंचने के बाद हम लोगों ने बहुत वीडियोस बनाए, पिक्चर लिए। अगर पिक्चर वीडियोस देखना है तो जल्दी से मेरे इंस्टा आईडी पे जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। हेलो जी, आप लोग यूट्यूबर माता बेटे जस्तो, मार मार तू ही मार। सुंदर जाए, पास रेट करो। हाँ मेरा फोन कहाँ है? और कैसे, लाइक दिखने में जितना इजी लगता है ना स्केटिंग करना, करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है, ट्रस्ट मी। लाइक मैं इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा, एंड बार बार मैं गिर रही हूँ, बार बार मुँह के बल बस गिरने से बच गई, बाकी सारे पोजीशन में मैं गिर गई हूँ।
एंड देन ये लास्ट टाइम जो मैंने ट्राई किया, इस बार जाके जो जाके मैं धड़ाम करके गिरी, इसमें मुझे थोड़ा सा चोट लग गया एंड देन मैंने स्टॉप कर दिया कि करना ही नहीं है स्केटिंग, सॉरी नो, और ट्राई नहीं करना। सो गाइस, तो वहां पर हम लोगों ने स्केटिंग की, स्केटिंग करने का ट्राई किया, जो मुझसे हुआ नहीं, बहुत बार गिरी, तो फिर देखा ही आप लोगों ने वीडियो में। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पर है, तो गाइस अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर जहाँ पर हम लोग ये सब करेंगे, मतलब वो क्या कहते हैं उसको, देखो ना आप लोग देखोगे तो समझ ही जाओगे, झूला वूला है यहाँ पर, बहुत सारे एक्टिविटीज है जो हम लोग करेंगे। लेट गो, लेट्स गो। ऐसे जाएंगे हम लोग, हम लोग रोप से जाएंगे। चलो पहले बंजी में, नहीं पहले बंजी जंपिंग, राइट, ठीक है। तो भैया ये हमारा गार्ड है, तो हम लोगों को ले जा रहा है बंजी जंपिंग के लिए। तो यस, वी आर गोइंग, देखना क्या होता है बंजी जंपिंग में। सो आई जस्ट गोना डू दिस, जस्ट लुक एट द कैमरा, टॉक टॉक आवाज आती है, कैमोन कैमोन रोस्टा, बाल तो पीछे ही है मेरा भैया, ऑन कर दो, मेरे पीछे बाल नहीं है भैया, मेरे पीछे बाल, मेरे पीछे बाल, पकड़ना है, लॉक नहीं है, रोटेट करना, ठीक है, हाँ रोटेट करना, गोप को आगे पकड़ो उसको, ओके गो डाउन, ओके क्या लग गया, तो हम लोग बहुत मजा किया हम लोगों ने, आई ठीक है ना, हाँ तो बहुत बहुत मजा आया गाइस, बहुत ज्यादा अभी डर लग रहा है, इधर का
जोर का धक्का क्यों लगता है। सो गाइस हम लोगों को बहुत जोर की भूख लग रही थी एंड हम लोग टायर्ड भी फील कर रहे थे, तो जल्दी से हम लोग होटल चले गए। होटल जाके हम लोग खाना वाना खा के रेस्ट लेने लगे, क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोगों को ना कसौल के लिए अर्ली मॉर्निंग निकलना था। सो गाइस टुडे इज द थर्ड डे। वेट, तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं कसौल। कसौल जाने के टाइम हम लोग रिवर राफ्टिंग करेंगे, जो मनाली आने के बाद तो करना ही चाहिए गाइस। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इन मनाली। सो लाइक मुझे तो सब लोगों ने बोला है बहुत ज्यादा डर लगता है, तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ कि लाइक कैसा लगेगा, आई डोंट नो। मुझे ट्राई तो करना है जरूर। सो गाइस हम लोग पहुंच गए लोकेशन में जहाँ पर हम लोग रिवर राफ्टिंग करेंगे, एंड यहाँ पर बहुत ज्यादा धूप है एंड भूख भी मुझे बहुत जोर की लगी है, तो जल्दी से जाके कुछ खा लेते हैं। तो मैंने मोमो ऑर्डर किया था, आई लव मोमो, यू गाइस नो दैट। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं रिवर ग्राफ्टिंग करने। रिवर राफ्टिंग व्हाट एवर इट इज, तो हम लोग को पहले लोकेशन में जाना है, वहाँ पर जाके ड्रेस पहनना पड़ेगा। मेरा 3 दिन से एक ही हॉस्टल, तो ये मेरा फर्स्ट, सब कुछ मैं पहली बार एक्सपीरियंस कर रही हूँ, तो मे बी देखते रहो। क्या लिखा है तुम्हें? प्रकाश, नाम लिखा है आपका? आपका नाम प्रकाश है? तुम उन लोग तो कोई और ही नाम बोल रहा था। मेरा नाम तो है माइला और मैंने बिल्कुल भी नहीं भीगना। भीगना नहीं है। लाइक मुझे डर तो नहीं लग रहा, लेकिन थोड़ा सा नर्वसनेस काम कर रहा है, क्योंकि इतना ठंडा पानी है, ऊपर से इतना स्पीड से जा रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा समझ रहा हूँ। हाय, एक बोट ने आके हम लोगों को पूरा भिगा दिया। अगर पानी लग गया बहुत खराब होगा, झगड़ा हो जाएगा, मैं बता रही हूँ। एकदम बाजे, एकदम बाजे। ये बट ऑस्ट्रेलिया तो बहुत ही स्मार्ट है। मुझे बहुत, मुझे ठंडा से फोबिया है। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ अब। हाँ हाँ पानी नहीं, पानी मत देना। तो भीगे हुए हैं। फोन पुरा दे। लाइक गाइस मुझे उतना तो ज्यादा डर नहीं लगा, मुझे तो अच्छा ही लगा, व्यूज अच्छे हैं, लाइक सुंदर है, एक्सपीरियंस अच्छा ही लगा मुझे। एंड क्या कहते हैं, हाँ जब बोट कुछ ज्यादा हिलने लगता है उस टाइम पे थोड़ा डर लगता है कि गिर ना जाए, बाकी सब मुझे तो अच्छा ही लगा, मुझे तो मजा ही आया। मैं तो बिल्कुल भी नहीं भीगा। तो
फाइनली हम लोगों का रिवर राफ्टिंग कंप्लीट हो गया. मुझे तो मजा आया बहुत, मैंने इंजॉय किया. एंड देन हम लोग निकल गए कसौल के लिए. तो मैं हेयर वॉश करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन हो ही नहीं रहा था. तो फाइनली अभी हम लोग कसौल में कसौल में है. तो हम लोग अभी यहाँ पे हेयर वॉश करवा रहे हैं. सो फाइनली मेरा हेयर वॉश कम्प्लीट हो गया. मेरा ही नहीं, सभी का हो गया क्योंकि सबका ही हेयर डल हुआ था तो सभी ने हेयर वॉश कर लिया. फिर गाइज हम लोग गए एक कैफे में. कैफे बहुत ही सुंदर था. वहाँ पर हम लोग डिनर किया. डिनर भी बहुत अच्छा था. कैफे के एकदम पास ही में ही नदी था और झरना भी था तो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में. गाइज थोड़ा शाम हो गया तो इसीलिए मैं ना व्यू नहीं ले सकती क्योंकि अंधेरा हो गया था, नहीं तो ज़रूर मैं आप लोगों को दिखाती. तो उसके बाद हम लोग होटल चले आए गाइस. एंड नेक्स्ट डे हम लोग जल्दी उठ गए थे क्योंकि वहाँ पर होली भी था और हम लोगों को घर भी आना था. दिल्ली आना था, दिल्ली से घर जाना था, कोलकाता जाना था. तो इसलिए हम लोग जल्दी उठ गए, सज धज के एकदम रेडी हो गए. एंड गाइस ये कश्मीरी सूट जो आप लोगों को दिख रहा है ना, ये मैंने मनाली से ही खरीदा है. मुझे बहुत पसंद आया था तो मैं जल्दी से खरीद लिया. सो फिर हम लोग गाइस बस के लिए निकल गए. तो यहाँ पर ही खत्म होता है मेरा मनाली टूर. तो कैसा लगा वीडियो बताना, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना.